ओडिशा के मयूरभंज जिले के बरीपदा में शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के दौरान लाइट चली गई। हालांकि इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अपना संबोधन जारी रखा। लाइट जाने पर भी माइक सिस्टम काम कर रहा था। भाषण में मुर्मू ने कहा कि बिजली हमारे साथ लुका छुपी खेल रही है। प्रोग्राम में मौजूद दर्शक भी अंधेरे में ही मुर्मू का भाषण सुनते रहे। राष्ट्रपति महाराजा श्री रामचंद्र भजदेव यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान संबोधित कर रही थी। प्रोग्राम में दोपहर 11:56 से 12:05 तक बिजली गुल रही। एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी काम कर रहा था। मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायपुर की रहने वाली हैं और लोग उन्हें यहाँ की माटी की बेटी कहते हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संतोष कुमार त्रिपाठी ने राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के दौरान बिजली गुल होने पर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। हम निश्चित रूप से घटना की जांच करेंगे और घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।